समझ में आती जब इसके लिए आप म्यूजिक ढूंढने लगते हैं कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होगा कैसा होगा आप आप इसकी क्या ब्रीफ दोगे और आप ब्रीफ किसको दे रहे हो अरिजीत सिंह को दे रहे हैं आप ब्रीफ एंड अरिजीत सिंह लाइक ऑल ऑफ अस लाइक ऑल ऑफ ऑल द एक्टर्स एंड अस ही हैड कंप्लीटली यू नो इंटरनलाइज द स्क्रिप्ट एंड अंडरस्टूड इट बाकी फिल्म का म्यूजिक बैकग्राउंड हो गया लेकिन जो शुरू के कुछ सीन थे जैसे पेप्सी वाला सीन है या गद्दे वाला सीन है अब मैं क्या बताऊँ ये कॉमेडी भी नहीं है मैं कह भी नहीं सकता कुछ ऐसा कर दो <laughs> तो वो भी नहीं है अब वो है एक अजीब तरह का कैस है <laughs> सो अरिजीत टोल में ये, ये तो साउंड ही नहीं है किसी इंस्ट्रूमेंट की इसके लिए इसके लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा कोई तो मतलब आ, मैंने कहा अच्छा समझ नहीं आया कि क्या बोला जाए वो तो उस्ताद है मतलब तो उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते कि आप बार बार पूछ रहे तो तीन हफ्ते बाद उसका बड़ा हाँ, डिजाइन बन गया wow. <laughs> wow. So, वो तब, तब वहां जाके जो आप सवाल पूछे समझ में आया कि यार आप इसको समझने लगते हो ना तो वो सीन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो बाद में इतनी समझ में आती है कि कैसे हो गया है